बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रश्न मंच के माध्यम से आप लोगों के सामान्य ज्ञान हेतु कुछ प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किए जा रहे, जिन्हें आप प्रतिदिन स्मरण कर दोहरा सकते, सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होंगे जो बदलते रहते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, और कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे हैं जो बदलते नहीं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम दिल्ली है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसु पलास, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारह सिंगा, उत्तर प्रदेश में संभागों या मंडलों की संख्या 18 है। आप किस मंडल में रहते? कानपुर। और कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र, इतिहास और गट्टा। कन्नौज में कितनी तहसीलें हैं? तो 3 तहसीलें हैं, शिवरामऊ, तिरवा और कन्नौज। कन्नौज में ब्लाकों यानी कि विकास खंडों की कुल संख्या है 8। उत्तर प्रदेश का आकार या बनावट कैसी है? लंबवत। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड स्टेट। का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी? 20 करोड़। हर 10 वर्ष बाद जनसंख्या गणना होती है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, काली आदि। उत्तर प्रदेश कुंभ का मेला कहां लगता है? प्रयागराज, इलाहाबाद, जो कि हर 12 वर्ष बाद लगता है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद या प्रयागराज। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है संत रविदास नगर, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या है 340। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या है 31। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है पहले 401, फिर 403, अब 404 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की कुल संख्या 100। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद या प्रयागराज। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 68%। 68% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी 32% लोग अनपढ़ हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन है? महिला, श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है? अशोक का वृक्ष। देखिए, उत्तर प्रदेश की जब प्रथम महिला तो श्रीमती सरोजनी नायडू राज्यपाल, और प्रथम राज्यपाल थे श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पक्षी कौन है? सारस। उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर कहाँ है? लखनऊ और कानपुर, जहाँ लगभग सभी प्रकार के जानवर रखे गए हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर। अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी आगरा, और जिसे अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950, यानी कि गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले। राम मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? अयोध्या में। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल और पेठा। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। आगरा मथुरा किस नदी के किनारे बसे हैं? यमुना नदी। बागों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ। इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। चमड़ा उद्योग के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? कानपुर और आगरा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? 2 मछली और धनुष बाण।
या तीर कमान। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं, धान और आलू। उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल कहां चलती है? तो लखनऊ और कानपुर। आगे आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ भी जाएगी। चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद आगरा शहर से पहले ही फिरोजाबाद पड़ता है, जनपद है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बनारस यानी वाराणसी में। घाटों का शहर किसे कहते हैं? वाराणसी। तालों का शहर किसे कहते हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध होते हैं, काफी मजबूत ताले होते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सन 2021 में श्री दिनेश चंद्र शर्मा और श्री केशव प्रसाद मौर्य। अपने मंडल का नाम क्या है? तो आप जिस मंडल के भी निवासी हैं, आप कानपुर के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को, और जिसमें नया राज्य उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 6.8%। वर्ष 2000 की स्वतंत्रता दिवस को हम किस रूप में मना रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? कानपुर। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया? 3, जिनके नाम इस प्रकार है: भावर का तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठार। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई, बॉम्बे आर्थिक राजधानी। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन है? नेपाल। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। जिस स्थान से किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उस राज्य को, उस जगह को, स्थान को राजधानी कहते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं? लखनऊ या उस प्रदेश की राजधानी में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। नदियों के आपस में मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? संगम। रोड़े पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी का भाग क्या कहलाता है? भावर का भाग। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी दुधवा। गंगा यमुना का मैदान किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी से बना भाग कौन सा है? गंगा यमुना का मैदानी भाग। उत्तर हमारे गांव या शहर का भाग किसमें आता है? गंगा यमुना का मैदानी भाग। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग वो मार्ग होता है जिसमें वाहन चलते हैं, यानी कि सड़क मार्ग, तो वो है NH2। हमारे देश में रेल मार्गों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है। उत्तर प्रदेश में प्रथम पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? सन 1859 में। 1859 में पहली बार ट्रेन किस शहर के बीच चली थी? प्रयागराज और कानपुर के मध्य। पतझड़ वाले वृक्ष या वन उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाए जाते हैं? उत्तर गंगा यमुना का मैदानी भाग। जमीन से ऊंचे उठे चौरस भाग को क्या कहते हैं? पठार। जहां से हवाई जहाज उड़ते हैं और उतरते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? हवाई अड्डा, एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ। और बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन कौन करता है? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया तक। हमारे मंडल कानपुर, देखिए जलमार्ग का अर्थ होता है जहां जल के मार्ग से यातायात, परिवहन और माल को ढोया जाता। तो देखिए जो हल्दिया एक पत्तन है, हल्दिया स्थान वहां पर एक पत्तन है, वहां इलावा से सामान उसमें लोड होता है, हल्दिया के पत्तन पर उतरता है और वहां से फिर बड़े बड़े जहाजों में लोड किया, तो ये मार्ग विकसित किया गया। हमारे मंडल कानपुर में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फरकाबाद, औरैया और इटावा। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? चीतल। प्रदेश की सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT उत्तर प्रदेश में कानपुर में, भूल भुलैया इमामबाड़ा लखनऊ में, सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ वो स्थान है जहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन, जहाँ महात्मा बुद्ध ने उपदेश
दिया था। पहली बार उपदेश, प्रथम उपदेश, देवा शरीफ का मेला, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पांच नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, काली, राम गंगा, ईशन नदी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से अन्य प्रश्न भी आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे। इनको आप सभी लोग दोहराएंगे और